ओके सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू 3D इंस्टाग्राम फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस हम कुछ बैकग्राउंड पीजीज का यूज करेंगे, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो आप लोग जो इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, गाइस यहां से ऐड करना है आप सभी को जो है आपका मॉडल, ठीक है, मतलब मॉडल नहीं, पहले आपको अपने इंस्टाग्राम का जो स्क्रीनशॉट ले लेना है गाइस कुछ इस टाइप की आपकी जो पोस्ट है उसका। देन आपको जो आपका नेम वाला एरिया है ना गाइस, उसको आपको यहाँ पे इतना क्रॉप कर लेना है, इतना हिस्सा, ठीक है। इतना हिस्सा क्रॉप करने के बाद आपको फिर करना है, आपको यहाँ पे सिंपली डन करना है। एंड उसके बाद गाइस आपको देखना दिख रहा होगा गाइस यहाँ पे जो है, मतलब यहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, कि जो जहाँ पे आप अपना नेम ऐड करोगे तो आपको कुछ स्टेप से ऐसे स्क्रीन को बड़ा करके कुछ स्टेप से रखना है। एंड यहाँ पे गाइस जो है, जो भी मतलब यहाँ पे देख लेना आपको कि जहाँ पे आपको लगाना हो, मतलब अच्छे से एडजस्ट करके। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे रेजर टूल पर जाके हार्डनेस वगैरह को फुल करके, एंड उसके बाद जो साइज अपने हिसाब से रख के आपको यहाँ पे जो है बाकी का जो वेस्ट एरिया है उनको आपको इरेज कर लेना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ जैसे गाइस इस तरीके से, एंड साइड से भी कर लेंगे ऊपर की तरफ जो वहाँ से भी इरेज कर लेते हैं। एंड गाइस अभी थोड़ा सा एरिया रह गया ऊपर का, तो ऊपर का भी इरेज करना है अभी। तो यहाँ पे मेरे रेजर टूल में चलते हैं, एंड यहाँ पे दोबारा से हार्डनेस फुल करेंगे। एंड यहाँ पे जो एरो दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है, अब यहाँ पे हम इसको कर लेंगे सिंपली डन, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है हमें, तो अभी हम इसको फिलहाल डन कर लेते हैं। एंड अब गाइस आपको क्या करना है, आपको गाइस जाना है यहाँ से दोबारा ऐड फोटो में। अब जो है गाइस आपको यहाँ पे अपना मॉडल ऐड करना, तो उसके लिए हम जाएंगे ऐड फोटो में, एंड यहाँ से ऐड करेंगे मॉडल को, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो मॉडल का जो बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, एंड जिसको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देख के इरेज कर लेना, ठीक है। तो आपको जो है गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद गाइस कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे जो है मॉडल को कुछ इस तरीके से रखना है, ठीक है। एंड जो मतलब कि ऐसा रखना है कि जो है मतलब आपका मॉडल जो है बाहर की तरफ से कूद के जो है, मतलब इंस्टाग्राम की पोस्ट में से बाहर निकल के बाहर कूद रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ पे जो आपको शेडो वगैरह आपने एडजस्ट कर लेनी है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कर देना डन, ठीक है। फिर इतना कर देने के बाद आपको फ्री करना है, आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करना है आपको एक स्मोक का PNG, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको फ्री करना है, आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है इसका, और यहाँ पे कर देना इसको स्क्रीन। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फोटो का फुल स्क्रीन करके, एंड कुछ शेप से नीचे की तरफ ले आना है कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे गाइस आपको फ्री करना है, आपको यहाँ पे जो पॉइंट है इसको ऊपर की तरफ ले आना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी फोटो कर देना है डन। तो इतना हो चुका है गाइस यहाँ पे। अब हम गाइस अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेंगे, एंड इसको लेकर चलेंगे लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस रीटच करना तो हमारी फोटो को बहुत जरूरी है। तो इसको हम लाइट रूम ऐप में जाएंगे। गाइस लाइट रूम ऐप में गाइस हमने अपनी फोटो को जो पहले से ऐड कर रखा है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। अब आपको जाना गाइस इस लाइट वाला ऑप्शन में, एंड इसका जो कॉन्ट्रास्ट है गाइस आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जो हाईलाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा कम करना है, एंड जो शेडो है इसको थोड़ा इंक्रीज करना है, एंड जो व्हाइट है इसको भी थोड़ा यहाँ पे व्हाइट माइनस कर देना, एंड ब्लैक को है थोड़ा सा इसको माइनस कर देना। फिर जाना आपको कलर्स में, आपको यहाँ पे गाइस वाइब्रेशन बढ़ाना है, वाइब्रेशन बढ़ाने के बाद थोड़ा टेम्परेचर कम करना है। फिर आपको कलर मिक्स में जाना है, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करके सैचुरेशन को थोड़ा माइनस करना है, एंड जो ल्यूमिनस है इसको यहाँ पे बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको जाना है गाइस यहाँ से येलो कलर में, आपको इसका ह्यू माइनस करना है। एंड उसके बाद जो ग्रीन कलर है इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, मतलब गाइस जो कलर ना हो उसका सैचुरेशन आपको माइनस कर देना है। एंड गाइस ब्लू कलर में जाके आपको जो है इसका थोड़ा सा सैचुरेशन माइनस कर देना है, क्योंकि गाइस ज़्यादा डार्क ब्लू होना अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उसके बाद आपको जाना है नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो विग्नेट डालना है आपको अपनी फोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है, विग्नेट डालना हल्का फुल्का जो भी है। फिर उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, आपको मिला ग्रीन अमाउंट, आपको उसको बढ़ाना है। फिर जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में नोट रिडक्शन डाल देना है थोड़ा सा, एंड जो एक कलर नोट रिडक्शन इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ और आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस अगर आप लोग यहाँ तक आए गए हो तो गाइस इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक करके आप गाइस कोई भी वीडियो को वॉच करो। बाकी चले गाइस मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।